हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज वर्षा राय एंड यू ऑल आर वाचिंग अरिहंस पढ़ाकू JEE स्पेशल्स। दोस्तों, जहां पिछले वीडियो में हमने जाना था स्टूडेंट से कि हाउ वाज योर पेपर, कौन सा पार्ट टफ था तो कौन सा पार्ट इजी, आज हम आपके लिए लाए हैं पैनल डिस्कशन, जहां पे JEE के 3 सब्जेक्ट्स के टीचर हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे उनका रिव्यू कि ओवरऑल पेपर कैसा था। चलिए आइए मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ केमिस्ट्री में हैं संजय शर्मा सर, फॉर फिजिक्स वी हैव प्रतीक अरोड़ा सर, एंड फॉर मैथ्स वी हैव लक्ष्मण प्रसाद सर। सर, आप तीनों का हमारे पैनल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, एग्जाम खत्म हो गया बच्चों का, ये पेपर जब खत्म हुआ सबके मन में कोई ना कोई टेंशन था और वो आपसे रिव्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें तो उनके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे है कि ओवरऑल फीडबैक आपका क्या है एग्जाम को लेकर, पेपर देखने के बाद ओवरऑल आपका क्या फीडबैक है? देखिए, अगर हम ओवरऑल फीडबैक की बात करें तो जनवरी के कंपैरिजन में ये पेपर्स इजी थे, और एज सच किसी किसी दिन कोई कोई पेपर टफ हो रहा था, किसी दिन केमिस्ट्री टफ था, जैसे 10th को केमिस्ट्री टफ था, लास्ट डे फिजिक्स और मैथ्स के पेपर टफ थे। तो अलग अलग तरीके से पेपर बने हुए थे। जो मेमोरी बेस्ड बच्चों के फीडबैक्स हमारे पास आए हैं उसी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये पेपर कंपैरेटिवली इजी थे जनवरी के कंपैरिजन में। बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। रिव्यू लेने पर पता चला सब बोल रहे थे कि ये टफ है, ये इजी है मैम, ये इजी टफ है, तो रिव्यू में मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि केमिस्ट्री का पेपर इजी आया था कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट। व्हाट्स योर ओपिनियन? केमिस्ट्री का पेपर सिर्फ एक दिन टफ आया 10th को, बाकी दिन इजी था। सर, आपसे ओवरऑल फीडबैक एग्जाम के पेपर के बारे में, ओवरऑल फीडबैक? बच्चों को मेरे ओपिनियन में इस बार का जो पेपर है वो इजीयर साइड पे लगा ओवरऑल। रीजन बीइंग, उसका पर्टिकुलरली रीजन मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद बच्चे पैटर्न से तो वाकिफ हो ही चुके थे, फिर हमने बच्चों को कंटिन्यूस मोटिवेट किया, उसके बाद उनके सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो गए, बच्चों के स्टूडेंट्स के कुछ पोर्शन जो उनका रिमेनिंग था वो भी हो गया, फिर उनको पैटर्न टॉपिक वाइज किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में इलेक्ट्रो डायनेमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आए, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आए, या करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आए, या मैकेनिक्स से काफ़ी पोर्शन आया, मॉडर्न फिजिक्स से, तो पैटर्न्स उनके आइडेंटिफाइड थे। थियोरेटिकल क्वेश्चंस जैसे कि कलर कोडिंग का क्वेश्चन हर सेट में लगभग पिछली बार आया था, तो बच्चे कलर कोडिंग बिल्कुल रट के गए थे, ठीक है, तो वो उनको लीवरेज, वो एडवांटेज वो मिला, तो इसलिए शायद ओवरऑल उनको पेपर जो है वो ईजी लगा। लेकिन अगर तीनों सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअली बात की जाए, केमिस्ट्री तो ईजी आएगा ही आएगा, तो ही इज वेरी हैप्पी। हाँ, तो इनफैक्ट सर से मैं बोल रहा था कि सर मैं सोचता हूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूँ, है ना, बिकॉज केमिस्ट्री अच्छा। इनफैक्ट जैसा कि सर ने बोला कि केमिस्ट्री जो है वो मेरिट डिसाइसिव है, तो वो बच्चे जो केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रेंथ बना करके नहीं चलते, दे हैव लॉस्ट इन दिस पेपर एज वेल, और चाहे ITJEE एडवांस आगे भी आने वाला है पेपर, उसमें भी है ना केमिस्ट्री इज द डिसाइसिव फैक्टर किसी भी एग्जाम में, तो केमिस्ट्री तो बच्चों को अपना एंकर रखना ही चाहिए, और फिजिक्स मैथ्स में दे हैव टू प्ले बिटवीन द टू, है ना, टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर्स। थैंक यू सर। सर, ये दोनों तो बच गए, इनका थोड़ा टेंशन इस बार थोड़ा कम था, क्योंकि रिस्पॉन्स से यही पता चला कि इनके थोड़े टेंशन कम थे, लेकिन ज़्यादा टेंशन, एवरीबडी वॉज रियली टेंस कि मैथ्स का पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, एंड पेपर आने के बाद आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है, एंड बच्चों के से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? बच्चों से हमें फीडबैक मिला कि पेपर कुछ लेंदी था, लेकिन उतना लेंदी नहीं था, बच्चों की जितनी भी तैयारी होगी उन हिसाब से पेपर एक घंटे के अंदर कर सकते थे बच्चे। मोस्टली क्वेश्चन जो है इसके NCERT बेस्ड और NCERT एग्जाम्पलर पे ही मोस्टली क्वेश्चन आए हुए थे, अगर ये ज़्यादा फोकस करते तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते, लेकिन अटैम्प्ट इन लोग लेंदी हो गया, टाइम कंज्यूमिंग कर दिया, लेंदी बनाया होगा इन्होंने, इसलिए ज़्यादा इसमें लेंदी होने की चांसेस है। ओवरऑल देखें तो क्वेश्चन जो है इसका अप्रैल का जनवरी के अटैम्प्ट के बहुत ही एवरेज पेपर आया था। अच्छा, अगर रैंकिंग वाइज बात करें तो इस बार इजीएस्ट एंड द टफेस्ट में से आप पहले रैंक में किसको रखेंगे, देन सेकंड एंड थर्ड? इजीएस्ट तो केमिस्ट्री होता ही है उसमें तो कुछ ही नहीं। मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादातर देखा गया है कि कैलकुलेशन एंड डेरिवेशंस की वजह से ज्यादा टाइम लगता है, तो डू यू थिंक कि 3 आवर्स इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द होल पेपर?
देखिए मैम, बच्चे के पास हर एक सेक्शन में, हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस तो होते हैं, है ना। लेकिन ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चंस फिजिक्स मैथ्स में खास तौर पे हर बच्चा कर नहीं पाता और करने भी नहीं होते। तो जो आर्ट है, जो स्किल बच्चे को डेवलप करना है, वो ये है कि ईजी ईजी क्वेश्चंस, है ना, वो आइडेंटिफाई करके वो सॉल्व करे, है ना। तो टारगेट अपना मेंटली ये सोच के जाए, इम्प्रैक्टिकल अपनी अप्रोच ना रखे कि भाई 30 में से मैं फिजिक्स में मुझे 24 ही करने हैं या 25 ही करने हैं, ये मुझे क्लियर है, बस छोड़ने कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट है। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है, इज 3 आवर्स इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द पेपर? 3 आवर्स सफिशिएंट ही बनाए गए हैं कंप्लीट करने के लिए। कुछ बच्चे तो कर ही लेते हैं कंप्लीट। जो एवरेज बच्चे की बात करूं तो एवरेज बच्चे 3 आवर्स में नहीं कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है, जैसे लास्ट ईयर का रिजल्ट देखा जाए तो एक बच्चे यहाँ 3 आवर्स में 360 स्कोर किया था। तो कुछ बच्चों के लिए तो 3 आवर्स सफिशियंट है, लेकिन सफिशियंट बनाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। अब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 12th के जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें से आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन के रेशियो सिमिलर थे, कितने क्वेश्चन सिमिलर थे इस बार के पेपर में? देखिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी से लगभग 30% के आसपास सिमिलर या इंस्पायर्ड, कुछ भी कह सकते हैं, वैसा सा था। नॉर्मली लगभग इतना ही होता है, कई बार ज्यादा हो जाता है। केमिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि 30 में से 28 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही थे, बट इस बार की जो सिचुएशन है दैट इज अराउंड 30%, दैट इज 30 में से 10 सवाल आप लगभग मान सकते जो एनसीईआरटी इंस्पायर्ड थे, 10 या 12। सर, आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि एनसीईआरटी को तो यूएसपी माना जाता है 11 12 के सब्जेक्ट को, तो कितने क्वेश्चंस के रेशियो इसमें ज्यादा थे, वेटेज कितना था 11 12? देखिए मैम, डेफिनेटली 12 का वेटेज ज्यादा था। इनफैक्ट एक सेट में तो मेरे ख्याल से क्लोज टू 70% आप कह सकते हैं, है ना, था। और अगर रफली देखें तो आर्टो पेपर का तो 50 से 70%, 50 to 70%, है ना, यू कैन से। तो एवरेज 60% आप मान लीजिए, मतलब 12th का वेटेज ज्यादा है। मैथ्स में क्या रेशियो था? मैथ्स में इस बार रेशियो जो है 11th की पोर्शन ज्यादा थी। 11th की पोर्शन मींस कुछ पेपर में, जैसे 8th अप्रैल को ले लो, 9th को या 10th को, तो मैथ्स की मोस्टली परसेंटेज जो थी आपके 11th की 56 to 57% थे, 12th की पोर्शन कम थे। लेकिन यही पोर्शन अगर मैं 12th का पेपर ले लूँ तो उसमें 12th की पोर्शन ज्यादा होगा, 60% के अप्रॉक्स पहुंच गया। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो 11th और 12th की जो पोर्शन है वो इक्विवेलेंट थी, किसी में 55 या 45 ले सकते हैं या किसी में 60 और 40 ले सकते हैं। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें तो अब जनवरी में जो पेपर हुआ था और अभी जो आपने पेपर के पैटर्न देखे होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही दोनों पेपर। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसा सर ने बताया था, स्टूडेंट जब एक बार किसी चीज को फेस करता है तो सरप्राइज अटैक उसके सामने होता है, जब दूसरी बार उसी चीज को फेस करने जा रहा है तो वो सरप्राइज अटैक नहीं है। उसको ये भी पता है कि कौन कौन सी चीजें पिछले एग्जाम में उससे पूछी गई थी, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीजें वो गलत करके आया था, तो पेपर इजी हम बोल सकते। अदरवाइज अगर उसके लिए अननोन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, तो क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं होता बच्चे के लिए। बच्चा जो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। तो दोनों पेपर्स मोर और लेस लगभग सेम थे, ये थोड़ा सा इजी कह लीजिए। जैसा मैंने बताया कि लास्ट जनवरी वाले पेपर में 70-30 का रेशियो था, जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस मिला के 70% और 30% डिफिकल्ट। यहाँ पे 10% का वेरिएशन है। इस समय 80% आप मॉडरेट और इजी कह लीजिए और 20% डिफिकल्ट। ये सर, अगर आपके पेपर की बात की जाए तो क्या पेपर लेंथी था या कैसा था आपका, आपको क्या पेपर देखने के बाद जनवरी एंड अप्रैल अगर कंपेयर करें उन दोनों को रख के, तो पिछले बार से लेंथी था या दैट दिस वन वाज द इजी? देखिए, एनटीए ने भी ना जनवरी वाले उससे सीखी है कुछ चीजें। जैसे उन्होंने एक ये सीखा है कि ज़्यादा रिपीट नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है पेपर का, जो एक वो फ्लेवर है कंपटीशन वाला वो कम होता है। जैसे कलर कोडिंग है, पिछली बार हर सेट में आ गया, तो बच्चे ने जिसका आखिरी वाला दिन, आखिरी दिन पेपर था, है ना, उसको पता है कि जी हाँ उसने देख ही लिया था, पढ़ लिया था, तो उसको एडवांटेज मिल गया, है ना। तो अनड्यू अनफेयर उसमें चीज़ हो गई कि जो जिसने पहले दिन पेपर दिया वो तो उसको पता नहीं था क्या आना है। तो इन्होंने अब की बार क्या किया है कि उतना प्रिडिक्टेबल नहीं रखा है। आपका पेपर, यू नो, मैथ सबसे टफेस्ट माना जाता है,
सारे बच्चों का जब भी मैं रिव्यू लूँ तो यही है कि केमिस्ट्री हमें इजी लगा, फिजिक्स वाज मॉडरेट, बट द मैथ्स वाज द डिफिकल्ट। एंड क्या कहेंगे इस बार का लेंथी था, अप्रैल से सॉरी जनवरी से या नहीं? अप्रैल का पेपर जनवरी से अप्रोक्स लेंथी पेपर था। पेपर सब बच्चों को मालूम था, पैटर्न तो सारे को मालूम हो चुका था, लेकिन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस पर चेंजिंग थी वो थोड़ा सा किसी किसी क्वेश्चंस में लेंदी था, कोई क्वेश्चंस आपका शॉर्ट भी था, ये डिपेंड अपॉन स्टूडेंट से कैसा क्या करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो अप्रैल का जो पेपर था जनवरी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एवरेज पेपर ईजी था, लेकिन थोड़ा लेंदी था। सर कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको दोनों मेंस में सिमिलर दिखा? दोनों में जैसे कैलकुलस की पार्ट जो दोनों में इंटीग्रेशंस हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल है, जो सेम ही क्वेश्चंस आए, पैटर्न कोई चेंज नहीं है लगभग सारे में। जैसे इस पैटर्न में जो है वेक्टर के क्वेश्चंस किसी किसी में कम कर दिए गए। अब जनवरी वाले में सारे क्वेश्चंस वेक्टर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसमें किसी क्वेश्चंस में एक पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया है वेक्टर के क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चन जो है उतना नहीं आ पाया जो लोग बच्चे ने एक्सपेक्ट किया था। ओवरऑल जो क्वेश्चंस है अप्रैल जनवरी जैसा ही अप्रैल का पेपर है। आपका ये कहना होगा कोई आपने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट या पैटर्न देखा जो दोनों मेंस में सिमिलर आपको नजर आया? देखिए मैम, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी का स्कोप कम होता है, ना तो उसमें क्वेश्चन सिमिलर टाइप के बनने हैं, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें थ्योरी भी लिमिटेड है, क्वेश्चन भी भाई जैसे एक सिंपल सा रेशो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के रेशो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो उस पर बेस्ड जनवरी में भी आए, अभी भी आए। फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, और ये इनमें नहीं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस ही बनेंगे आगे जो आगे भी आएंगे। तो इसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है कि फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, है ना, जिसमें लिमिटेड स्कोप होता है क्रिएटिविटी का, तो उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। यूनिट डायमेंशन हो गया, यूनिट डायमेंशन में दोनों में आया, जनवरी में भी आया, अप्रैल में भी आया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो आना ही है, दो क्वेश्चन आने, तीन क्वेश्चन आने, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर का किसी को अच्छा कमांड है तो जनवरी में जैसे क्वेश्चन आए कुछ मिलते जुलते यहाँ भी आए, तो दीज वर द सिमिलैरिटीज। तो की लाइन इज की जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, है ना, उनके क्वेश्चन सिमिलर रहे दोनों अटेम्प्ट में और आगे भी वैसे कुछ रहेंगे फ्यूचर। सर आपके सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट या पैटर्न आपने सिमिलर देखा दोनों में? देखिए मोर और लेस केमिस्ट्री क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड है, तो कंसेप्ट लगभग लगभग वही है चाहे जनवरी में था चाहे यहाँ था। फर्क सिर्फ ये था कि जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा चेंज था। एल्डोल कंडेंसेशन पे दोनों में सवाल आया, हाइब्रिडाइजेशन पे दोनों में सवाल आया, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल की बात करें उस पे सवाल आया, एमओटी पे सवाल आया, तो ये मोर और लेस दोनों में ही है, दोनों में कॉमन है। जो डिफरेंस हल्का सा यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है वो क्रिएटिव, अदरवाइज मोर और लेस एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स पे ही सवाल थे। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी थी, थैलीमाइड रिएक्शन भी थी, अमीन्स की बेसिसिटी भी थी, वो सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना, सिर्फ पूछने का तरीका हल्का सा। इस बार का कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है फॉर जेईई मेंस? देखिए अगर हम बात करें तो वो लगभग सेम रहता है ईयर टू ईयर, ये दोनों एग्जाम्स को जब आप मर्ज करेंगे ना तो लगभग वही कट ऑफ निकलेगी जो हर साल आती है। दो चार पांच मार्क्स का वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन इस बार भी है, ठीक है, तो लगभग लगभग सेम ग्राउंड्स पे है। मेरे सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट में ठीक है, पिछले साल 30 में से 30 भी बच्चा लेकर के आ सकता था, इस बार 28 या 29 से ज़्यादा नहीं ला पा रहा है, ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग हर एक स्टूडेंट को मान के चलना चाहिए कि सेम रहती है। अगर हम मेंस के लिए बात करें, मतलब जो एडवांस में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए बात करें, तो वहाँ भी लगभग सेम पैटर्न फॉलो होता है। आप पिछले 10 साल का उठा के देख लीजिए, लगभग सेम मोर और लेस दो चार पाँच नंबरों का डिफरेंस या हद से हद 15 नंबर्स का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस मैं ऐसा मानता हूँ कि ईयर टू ईयर स्टूडेंट के कैलिबर में जो चेंज आता है उस पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि पेपर टफ या इजी बना है। और अब तो और रिलेटिव मार्किंग कर दी है तो वो और उस लहजे पे चीज़ को ले आए हैं कि आप लगभग लगभग आगे के सालों में और कॉन्स्टेंट सी कट ऑफ्स देखें, जैसी पिछले साल थी वैसे इस बार होगी। क्यों सर, क्या कहना है?
मुझे लगता है जो एनटीए का परसेंटाइल सिस्टम है उसमें कट ऑफ का थोड़ा मीनिंग कम हो जाता है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो अब उस डे उस शिफ्ट पे आ गया है। यस, कि आपके साथ अगर बच्चे उतने अच्छे नहीं बैठे बाय चांस, थोड़ा अनफेयर ज़रूर है ना, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ कि हो सकता है आपके आप उतनी अच्छे परफॉर्म नहीं करके या कम मार्क्स में भी आपकी परसेंटाइल अच्छी बन रही है ना। तो स्टूडेंट को हमेशा सोचना चाहिए कि बेस्ट मार्क्स मैं कैसे लाऊं, है ना। और कट ऑफ तो ठीक है, एक मिनिमम वो है। इवन इफ वैसे बात करें, अगर कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ भी जाते हैं तो भी फिर कॉलेज उतना अच्छा है ना मिलने के चांस, फिर या फिर कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर ली, जेई मेन से जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल भी हो गए, है ना। लेकिन कट ऑफ के आसपास यदि आपने क्लियर किया, दैट अगेन इज इंडिकेटिव ऑफ कि आपकी प्रिपरेशन उतनी साउंड नहीं है। तो की जो बात है इस डिस्कशन की वो ये है, हम ये बता पाएं कि स्टूडेंट्स खासतौर पे फ्यूचर एस्पिरेंट्स या अभी जो जेई एडवांस के लिए एस्पिरेंट्स हैं, तो वो अपना फंडामेंटल्स पे स्टिक करें। यस, अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म। सर, कट ऑफ मार्क्स आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स जो होगी मेरे हिसाब से 95% जो भी लाएगा वो मोई क्वालिफाई हो सकता है जेई एडवांस के लिए, लेकिन डिपेंड है 95% लाइक क्वालिफाई हो सकता है अच्छे कॉलेजेस के लिए, अगर चाहेगा तो उसे कम से कम 98% से एबव लाना होगा। अब ये डिपेंड होता है कि अब ये परसेंटाइल जो है दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, जनवरी का और इसका। जनवरी में लगभग अप्रॉक्स 9 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, इस बार भी 9 लाख प्लस स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसमें से 70% जो 70% इस बार भी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। अब दोनों का एवरेज देखने के बाद हो सकता है कट ऑफ कुछ बढ़ भी सकता है या कुछ घट भी सकता है मे बी, लेकिन एवरेज जो हमारे ख्याल से जो 98% से जो ज़्यादा बच्चे लाएंगे वो मे बी अच्छे स्कोर्स मतलब अच्छे कॉलेजेस 25,000 के अंदर आ सकते हैं, लेकिन 95% या 96% के जो होंगे वो क्वालिफाई कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए। सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज, सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना सीक्रेट मंत्र होता है। कोई बोलता है कि जिस दिन एग्जाम है उसके दिन पढ़ो मत, उस रात मत पढ़ो, या इस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करो, किसी का फूड का सिस्टम ही चेंज होता है, खाने का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा उस दिन, पेपर जिस दिन हो। तो आपके लिए, आप लोगों ने भी जब भी कभी एग्जाम दिया होगा, आपका भी कोई ना कोई सीक्रेट मंत्र होगा जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। सर्टेन मेरे हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है ये बोर्ड से बिल्कुल अलग है। इसको जितना रिलैक्स माइंड से स्टूडेंट देगा उतने अच्छे से परफॉर्म करेगा। दैट मींस कि जो बात आप कह रही थी उसको रात को अच्छे से सोना चाहिए, सवेरे हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, आराम से सेंटर पे पहुंचना चाहिए, ये सोचना ही नहीं चाहिए कि पेपर में कुछ गड़बड़ हो, राइट। और प्रॉपर वे में अपना टेम्परामेंट कूल रख के एग्जाम देना चाहिए, तब वो अच्छा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप कर पाए। What's your secret mantra? आपके टाइम में आप जब एग्जाम देते थे कि नर्वस नहीं होना, क्या करना है आगे? देखिए, नर्वस नहीं होना मैं ऐसा नहीं मानता, बीइंग नर्वस इज क्वाइट नेचुरल। हर सिचुएशन में इंसान है ना किसी भी सक्सेस को अचीव कर चुका हो वो जरूर नर्वस होता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूँ, अमिताभ बच्चन जी भी कह चुके हैं कि भैया मैं आज भी नया कोई मूवी स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट शॉट होता है तो आई फील नर्वस, तो दैट इज नेचुरल, है ना। तो उसमें स्ट्रगल नहीं है, राइट बिल्कुल ये, और ये हर टीचर की कहानी है कि हम फर्स्ट जब जाते हैं क्लास लेने फर्स्ट बैच, तो वी ऑल्सो फील सम सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस। तो की थिंग इज जो सर ने बोला, कूल माइंड होना, कूल माइंड रहना वो जरूरी है। उसके लिए आपको जो भी लगता है वो करना जरूरी है। भाई कूल माइंड कैसे रहेंगे, जैसे अगर कोई बच्चा रात शाम तक एक दिन पहले एग्जाम से पहले रटता रहा तो होता क्या है कि वो जब सोने भी जाएगा तब भी वही चीज़ें उसको माइंड में चलेंगी, उसी के साथ वो स्ट्रगल करेगा, नींद उसको अच्छी आएगी नहीं, वो नेक्स्ट डे फिर वो कूल नहीं रह पाएगा क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं। यस, तो इसलिए एडवाइस हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स को एक दिन पहले, तो क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। यस, जो होगा वो ये होगा कि आप, हो सकता है एंग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, है ना, कम तो होने वाले नहीं है। और कूल रहने को मैं दूसरे तरीके से ऐसे बोलता हूँ कि कूल रहना मतलब अवेयर रहना, कि जब आप पेपर दे रहे हैं तो आप एज इट इज क्वेश्चन आप जज कर पाए, आपको समझ में आए कि क्वेश्चन छोड़ने लायक है या करने लायक है, वो जजमेंट है ना लेना ही बीइंग कूल है। यस, आप जब देख रहे हैं ऑप्शंस तो ABCD आपको दिखें ऑप्शंस कि भाई हाँ ये तो हो ही नहीं सकते, कई बार ऐसा भी होता है, इनफैक्ट IIT के जेई एडवांस में भी ऐसे, भाई 3 ऑप्शंस तो ये सिंपली हो ही नहीं सकते, व्हाई टू वेस्ट टाइम, डी को टिक करो आगे बढ़ो, उसमें तो टाइम नहीं लगाना। तो दैट इज कॉल्ड बीइंग कूल एंड बीइंग अवेयर।
है ना, तो मंत्रा इज दिस। यहाँ से तो पता चला कि इट्स ओके टू बी नर्वस, आपका क्या है सीक्रेट मंत्रा? नहीं, बच्चे तो नर्वस होते ही है, इसमें नो डाउट नहीं है, लेकिन नर्वस होकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अगर जब मैंने एक साल तैयारी किया, दो साल तैयारी किया, जो भी हो है, या एक दिन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी हमारे पास औजार हैं, जितने भी हथियार, उसी से हमें फाइट करना है नेक्स्ट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब इसी से हमें एक फाइट करना है। अगर छोटा हो तैयार हो या हमने जितनी तैयारी है, उसी में हम अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करें। अगर मैं चाहूँगी नहीं आज ही मैं सारा एक दिन में जो पीछे वाले बचे हुए उसको सारे में तैयारी कर लूँ, जो 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 हमारे पास है वो भी वेस्ट हो जाएंगे। हमारे पास जितने भी छोटे हैं, जितने भी हमारी तैयारी है, उसी से तैयारी करते हुए हम उसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, यही मेरी मंत्र है। थैंक यू वेरी मच। आई होप गाइज आपको अपने क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल चुके हो, लेकिन अगर नहीं मिले तो आप हमारे वीडियो के नीचे जाके जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।